दोस्तों, हर मोटिवेशनल वीडियोस में, कहानियों में, हर जगह मैं बस एक ही चीज कॉमन पाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हर चीज, हर समस्या, हमारी जिंदगी का हर दर्द, सक्सेस, फेलियर, सभी का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से है। दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, माइंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त है आपका ब्रेन। आपने ये सुना होगा कई बार लोगों को कहते हुए, अरे भाई उसका दिमाग बहुत तेज है, अपनी दिमाग की खाता है वो। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है आपका दिमाग। और आपने ये भी सुना होगा, अरे उसका दिमाग खराब हो गया है, उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, सारी गंदगी उसके दिमाग में भरी हुई है। एग्जाम्पल्स बहुत से हैं दोस्तों, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का नाम मैंने दिया है गेम ऑफ माइंड। बहुत सी बातें कहनी है आपसे और बहुत सी बातें बतानी भी है आपको। जिंदगी के हर एक पहलू को मैं इस वीडियो सीरीज में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये एपिसोड स्टूडेंट्स को समर्पित है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची कहानी। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप छोटे से गाँव या किसी छोटे से शहर से किसी बड़े शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, तो ये कहानी आपको अपनी कहानी लगेगी। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोस को देखना और हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की हर कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ साल खुद को स्पेशल बनाने के लिए खर्च करो, फिर सारी जिंदगी लोग तुमको स्पेशल बना के रखेंगे। अमित और अतुल दो भाई एक छोटे से शहर से इलाहाबाद में आते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये कहानी है उन्हीं दो भाइयों की। ये किसी राजा की नहीं, किसी फेमस पर्सनैलिटी की नहीं, ये हमारे जैसे आम आदमी की कहानी है। हो सकता है दोस्तों कि ये कहानी आपको अपनी कहानी लगे, आपके शहर की कहानी लगे, पर इस कहानी के अंत में इसके किरदार कहाँ पहुँचते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेजेस, एडुकेशन हब कहूं इस शहर को तो कुछ गलत नहीं होगा। एक नजर तो डालो आसपास और दूर के गांवों और शहरों से स्टूडेंट्स यहां पढ़ने के लिए आते हैं। उनकी आंखों में उनके माँ बाप का सपना होता है, उनके खुद का भी सपना होता है, जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना, बड़ा आदमी बनना, कुछ कर दिखाना। एक योद्धा की तरह हाथ में किताबों का हथियार लिए वो बच्चे पढ़ाई और कंपटीशन के युद्ध में उतर जाते हैं। अमित और अतुल को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले और उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उन्होंने हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया और उनको हॉस्टल भी मिल गया। वैसे हॉस्टल पाने की मारामारी तो रहती है और सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हॉस्टल में रहना पसंद नहीं होता। उसके पीछे कारण ये होता है कि हॉस्टल में रहने के कारण उनका इंटरेक्शन दूसरे स्टूडेंट से होता है, दोस्ती होती है और टाइम बर्बाद होता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करते और किसी के घर पे रूम रेंट पे लेके रहते हैं। इस कहानी में मैं आपको 5 साल आगे ले चलता हूँ। आज अमित और अतुल दोनों PCS ऑफिसर्स हैं। आज मैंने दोनों से उनकी सफलता का राज पूछा और उन्होंने जो बताया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब फिर से दोस्तों, मैं आपको 5 साल पीछे ले चलता हूँ और अमित और अतुल ने अपनी सक्सेस के सफर की जो कहानी मुझे सुनाई उसको सुनाता हूँ। आपको बहुत ध्यान से ये कहानी सुननी होगी, तभी समझ पाएंगे कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अमित ने सुनाई मुझे अपनी कहानी। हम दोनों एक छोटे से परिवार से आए थे। हमारे माँ बाप से हमको बस काम भर के ही पैसे मिलते थे। हम चाहते भी थे कि हमको हॉस्टल मिले और हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि हॉस्टल में बाहर रहने की तुलना में पैसे कम खर्च होते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके BA करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था सिविल सर्विस के एग्जाम को पास करना और एक PCS ऑफिसर बनना। मैं ये जानता था कि मुझे सफल होना है तो मुझे हार्डवर्क करना होगा। अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो एग्जाम कैसे निकालूंगा। चाहे मेरे पास अच्छे बुक्स हो, टीचर्स हो, मैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो पास कैसे होऊंगा। मैं हॉस्टल में इसीलिए रहना चाहता था क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स को आपस में डिस्कस करने का मौका मिलता है, कौन सी बुक अच्छी है,
स्टडी कैसी करनी चाहिए, कौन सा टीचर अच्छा है या कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है, सीनियर स्टूडेंट्स की गाइडेंस, एग्जाम पास करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब हॉस्टल में रहकर ही हम अच्छे से जान सकते थे। लेकिन हॉस्टल में सब कुछ अच्छा ही होता है ये जरूरी नहीं है। मैं जब नया नया आया था हॉस्टल में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नए दोस्त बने और हमारे बीच में हेल्दी डिस्कशंस होते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ। मैंने देखा कि हॉस्टल में कई लड़के मेरे दोस्त बन गए हैं और अब मैं ज्यादा टाइम सिर्फ डिस्कशन में ही लगाने लगा हूँ। और फिर मुझे लगा कि अब हम कोई हेल्दी डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, हम बस टाइम पास कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त पढ़ते नहीं थे, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत है उतना वो पढ़ नहीं रहे थे। कुछ लड़कों का काम तो बस पूरा समय अलग अलग लड़कों के रूम में जाके बैठना और पढ़ाई की बात करना ही होता था। मुझे लगा कि ये तो पूरा टाइम पास चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब दोस्त बनेंगे तो कुछ पर्सनल बातें भी होंगी। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है तो हम छात्र राजनीति से कैसे बच सकते हैं, फिर चुनाव प्रचार, छात्र नेताओं के साथ घूमना, कुल मिलाकर लगता था कि सब कुछ जरूरी है। अगर दोस्त बनाया है हमने तो दोस्त का साथ देना भी जरूरी है। अपने आसपास हो रही इन सब बातों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मुझे लगा कि मैं एक जाल में उलझता जा रहा हूँ। जब मैं पढ़ने बैठता तो मेरा दिमाग इधर उधर घूमता, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति मेरे संकल्प ने मुझे बचाया। अपने हॉस्टल के रूम में मैं अपने एक खास दोस्त को बुलाकर बाहर से लॉक लगा देता था ताकि लोगों को लगे कि मैं रूम में ही नहीं हूँ। लोगों से मिलना कम कर दिया मैंने और पूरा फोकस पढ़ाई पे किया। दूसरे लड़के भी ये बात समझ गए कि मैं अपने रूम को बाहर से लॉक करके अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ। लोगों ने मुझे डिस्टर्ब करना कम कर दिया। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के टाइम पर डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने किसी दोस्त जो कि हॉस्टल में नहीं रहता था उसके घर पे चला जाया करता था। मैं अपने 3 साल को बर्बाद नहीं करना चाहता था। कोर्स की बुक्स को भी मैं कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ता था ताकि मेरी स्टडी की डायरेक्शन एक रहे। मैं ये मानता था कि मैं एक आसान काम कर रहा हूँ, पढ़ाई, पढ़ना ही तो है बस। अगर जिंदगी की मुश्किलों को देखूं तो पढ़ाई तो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगती थी। बस बीए पास करते ही मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। हालांकि मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट और सेटिस्फाई किया कि आखिरकार मैंने एक स्टेप को तो पार कर लिया है। आगे अमित ने बताया कि जब मैं यूनिवर्सिटी के आसपास बुक स्टोर्स में लगी स्टूडेंट्स की भीड़ को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि सारे लड़के चाहते हैं पढ़ना और किसी कंपटीशन को निकालना, लेकिन उसमें से बहुत से लड़के अपनी दिशा खो देते हैं। पढ़ाई करते हैं लेकिन उतना नहीं जितनी जरूरत है। चारों तरफ स्टूडेंट्स के बीच में रहना, पढ़ाई की बात करना, कॉम्पिटिशन को निकालने की स्ट्रेटेजी तय कर लेना ही सफलता का रास्ता नहीं है, सबसे जरूरी है हार्डवर्क करना। दोस्तों तो ये थी कहानी अमित की। अमित के भाई अतुल ने मुझे बताया कि अगर अमित नहीं होता मेरे साथ तो शायद मैं सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन अपने भाई को पढ़ता देखकर मुझे मोटिवेशन भी मिलती थी और मैं भी उसके साथ बैठ के पढ़ाई करता रहता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहानी जरूर समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको एक प्लान बनाना है अपनी मंजिल तक पहुंचने का और द बेस्ट बनने का। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको फीवर हुआ है और आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कुछ मेडिसिन देता है और उन मेडिसिन में से किस मेडिसिन को कब खाना है, कितने दिन खाना है वो बताता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी को समझकर, आपकी उम्र देखकर, आपका जेंडर और हेल्थ देखकर मेडिसिन देता है। डॉक्टर जानता है कि आप किस मेडिसिन से और उसे कैसे खाने से ठीक होंगे। अगर आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करो तो क्या होगा? आप ठीक नहीं होगे, आपकी बीमारी बढ़ सकती है या आपको कोई और बीमारी हो सकती है। इसलिए दोस्तों एक अच्छा प्लान बनाना जरूरी है, और जब एक अच्छा प्लान बन जाए तो आपको बस एक ही चीज पर भरोसा रखना है और वो है आपका हार्डवर्क। अगर इस गेम ऑफ माइंड वीडियो सीरीज से आपको हेल्प होती है दोस्तों तो ये मेरी सक्सेस होगी। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैंने बस ग्रेट लोगों की बातों को एक सीक्वेंस में आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।